अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी मैं जा रही हूँ मॉर्निंग वॉक पे, सब लोग सो रहे हैं लेकिन अभी मैं जा रही हूँ, तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ा देर में मॉर्निंग वॉक पर, वहाँ पर गार्डन में मिलती हूँ आप लोगों से। तो अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर मॉर्निंग में वॉकिंग करने के लिए। तो देखिए अभी पहुँच चुकी हूँ मैं, गार्डन है यहाँ पर छोटा सा, वहीं पर गार्डन में आई हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। तो अभी चल रही हूँ यहाँ पर, देखिए अभी ज़्यादा लोग कोई है नहीं, बस थोड़ा दो चार लोग, ये ज़्यादा कोई है ही नहीं अभी आजकल, बारिश का मौसम भी है। तो चलिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को, ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वेट लॉस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर आने के बाद। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर अक्सर बच्चे लोग को लेके आया करती थी, बट अभी बारिश के मौसम की वजह से बच्चे लोग को मैं नहीं लेकर आती हूँ यहाँ पर। देखूँगी अगर बारिश नहीं रही तो फिर बच्चे लोग को मैं लेके आने की कोशिश करूँगी, यहाँ पर अच्छा लगता है, यहाँ पर बच्चे लोग खेलते भी हैं, बट कीचड़ वगैरह रहता है ना तो फिर नहीं खेल पाते वो। वहाँ पर देखिए पूरे झूले वगैरह, बच्चे के खेलने की चीज़ें हैं सब, ये देखिए सब बच्चे के खेलने की चीज़ें हैं और माशाल्लाह बच्चे अच्छा खासा खेलते हैं वहाँ पर, अच्छा लगता है। तो अब मैं करूँगी राउंड अप, ये दिख रहे हैं यहाँ से ऐसे सर्कल बना के फिर से वहीं से वापस आऊँगी जहाँ से मैं अभी आई हूँ। तो यहाँ से मैं आई हूँ, यहाँ से जाऊँगी और फिर वापस वहीं से घूम कर आऊँगी, दो राउंड करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा लेट उठी थी आज, जल्दी उठना था, ज़्यादा लेट उठ गई थी थोड़ा, 8 बजे 7 बजे उठना था, तो 8 बजे मेरी आँख खुली, पर कोई बात नहीं, आज एक राउंड मार के चले जाऊँगी, एक दो राउंड मार के, कल सुबह जल्दी आऊँगी और हो सकता है 4-5 राउंड मार के फिर चली जाऊँगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मुझे वॉकिंग की ज़रूरत है। वेट गेन करना बहुत बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन वेट लॉस करना जल्दी नहीं हो पाता। तो सोच रही हूँ डेली आया करूँ तो होगा ये कि मेरा वेट जो है थोड़ा वॉकिंग से जल्दी वेट लॉस हो जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे अच्छे फूल वगैरह हैं यहाँ पर, ये देखिए पर्पल कलर के फूल हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे तो मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव है, झाड़ों से, पत्तों से, फूलों से बहुत ज़्यादा लगाव है, जहाँ भी देखती हूँ ना बस खड़ी हो जाती हूँ और शुरू हो जाती हूँ, बट कोई नहीं, चलिए अभी अपना जो वॉकिंग है वो पूरा कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि वॉकिंग भी हो जाए और आप लोगों से बातें भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी आप कहाँ से हो, आपका गांव कौन सा है, आप कहाँ से हो। तो मैं हूँ औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से, और मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पर मुंबई में मेरा ससुराल है और मुंबई में ही मैं रहती हूँ अभी फ़िलहाल। तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइटनिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस वाले हाथ पर कैमरा पकड़ लेती हूँ। ट्राइपॉड मुझे लेकर आना चाहिए था, मैं नहीं लेकर आई, थोड़ा बातें भी हो जाती। तो चलिए थोड़ा देर में मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए कैसे बारिश हो रही है, मैं अभी आई हूँ और मुझे यहाँ पर भीगना पड़ रहा है, देखिए बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर झाड़ पत्ते बहुत अच्छे हैं, झाड़ों के नीचे मैं खड़ी हूँ ताकि मैं भीग ना जाऊँ, झाड़ों के नीचे खड़े ना पड़ रहा है ताकि भीग ना जाऊँ। मैं तो छाता भी नहीं लेकर आई हूँ, अंकल को देखिए, अंकल छाता लेकर आए, मैं छाता नहीं लेकर आई हूँ, क्या करूँ। भीगना ही पड़ेगा, क्या करें अभी। ये वाले फूल देखिए, पर्पल वाले फूल देखिए, बहुत मस्त लग रहे हैं। अभी थोड़ा देर रुकती हूँ इधर, फिर निकलती हूँ घर के लिए, क्योंकि बारिश में भीगना नहीं, मुझे बीमार नहीं पड़ना है, वैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। तो चलिए फिर, पूरा कैमरे पर पानी आ चुका है, बंद कर देती हूँ कैमरा। अभी देखिए 4 राउंड मैंने लगा दिए हैं, अभी बैठी हूँ मैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, बारिश भी हो रही थी, आप लोगों को दिखाया मैंने बारिश हो रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का मौसम, नेचर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रही है। मतलब सुबह सुबह का नेचर की बात ही कुछ अलग होती है, सच्ची में बात ही कुछ अलग होती है। और अच्छा होता कि मैं ट्राइपॉड ले आती, ट्राइपॉड लाती तो थोड़ा व्लॉग बनाने में थोड़ा आसानी हो जाती, मेरे हाथ में कैमरा नहीं पकड़ना पड़ता। एक्चुअली मैं मोबाइल भी लेकर नहीं आने वाली थी, तो मैंने सोचा कि लेकर आ जाती हूँ, और सना का गाल है तो बहुत ज़्यादा फूल चुका है अभी,
तो आज तो पूरा फुल मॉर्निंग से रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा मैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट और प्यार देते हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई में मेरे ससुराल है यहाँ पर, और परवेज़ मेरा भांजा है, मतलब कि मेरे हस्बैंड के बहन का लड़का, मतलब मेरी ननद का लड़का है, तो मेरा भांजा ही हुआ। तो काफ़ी लोग ये सवाल पूछते रहते हैं परवेज़ आपका कौन है कौन है, तो परवेज़ मेरा भांजा भी है, बेटे जैसा भी है, बेटा भी है समझ लीजिए। तो अभी तो देखिए अभी बारिश हो रही थी, जस्ट आप लोगों को दिखाया, अभी धूप निकल रही है, ये देखिए अभी धूप निकल रही है, इस साइड से भी मेरे चेहरे पे फेस पे आप लोगों को दिख रही होगी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं डेली आऊँगी, वेट लॉस करना भी बहुत ज़रूरी है, वेट गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान मतलब बहुत जल्दी से हो जाता है, लेकिन वेट लॉस करना जल्दी नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वेट लॉस करने में, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है वेट लॉस करने में, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग इसी चीज़ से परेशान हैं कि वेट लॉस कैसे किया जाए। तो मैं तो देखिए पहले मैं गर्म पानी पीती थी, गर्म पानी मॉर्निंग में, सुबह में, नाइट में सोने से पहले मैं गर्म पानी पीकर सोती थी, थोड़ा सा हनी मिला करके उसमें, तो क्या होता था मेरा वेट लॉस हो चुका था, लेकिन मैं कमज़ोर बहुत हो गई थी अंदर से, कमज़ोरी इतनी आ गई थी कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई थी कि मैं अगर थोड़ा सा भी चल लूँ ना तो मेरे हाथ पैर में दर्द होने लग जाता था, मतलब बहुत ज़्यादा जो मेरी हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी। तो मैंने अभी सोचा है कि मतलब मैं उस तरह से वेट लॉस नहीं करूँगी, मैं करूँगी इस तरह से जैसे सब लोग करते हैं नेचुरली, मतलब वॉकिंग वॉकिंग करके, क्योंकि उस तरह से बहुत कमज़ोरी आती है, इससे क्या होता है इंसान फिट रहता है, फिट रहता है इससे, फिट रहने की वजह से मतलब जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होती है। गर्म पानी से क्या होता है, ठीक है सेहत अच्छी भी रहती है उससे जब आपकी तबीयत थोड़ी ठीक ना हो, लेकिन डेली डेली वो भी ठीक नहीं होता है, और मैं कुछ ज़्यादा ही मतलब ले रही थी, मैंने सुबह में, शाम में, दोपहर में 3 टाइम लेना स्टार्ट किया था, तो इसकी वजह से तबीयत में मेरे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कुछ दिन बाद। वेट तो लॉस हो चुका था मेरा, लेकिन ये जो आपके गाल है ना, गाल पूरे ऐसे चपक गए थे अंदर की तरफ, मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वेट तो लॉस हो गया था लेकिन चेहरे पे बिल्कुल भी शाइन नहीं बची थी गर्म पानी की वजह से। हाँ आप एक आध बार लेते हो रात में थोड़ा सा गुमगुमा तो ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गर्म लेती थी मतलब कि जल्दी से मेरा वेट लॉस हो जाए, तो आप लोग ये गलती मत करना, क्योंकि मैंने ये गलती की है इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए आई हूँ, देखते हैं थोड़ा देर में अभी निकलती हूँ, क्योंकि बारिश फिर से कब होगी पता नहीं, मैंने छाता भी नहीं लेकर आई हूँ, और देखते घर पे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, सना सो रही थी, सब लोग सो ही रहे थे, ये उठे मेरे जाने के टाइम पर, बोले कि जा रही हो क्या आ रही हो, क्योंकि 8 बज रहे थे तो पूछ रहे थे कि जा रही हो क्या आ रही हो, तो मैंने बोला कि मैं जा रही हूँ, तो बोले 8 बज रहे, तो मैं बोली ठीक है अभी एक राउंड मार करके आ जाती हूँ, तो बोले ठीक है आ जाओ एक राउंड मार करके, तो एक तो राउंड हो गया, और यहाँ पर 3 राउंड हो गए, 4 राउंड हो गए पूरे, अभी घर जाऊँगी तो 5वां राउंड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा सा पूरा गार्डन है यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। तो सोच रही हूँ अगर बारिश नहीं रहेंगी तो बच्चे लोग को ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से घर पर ही, अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भी लेट हो चुका है, 8:30 तो बज चुके हैं, आधा घंटा मुझे हो चुका है निकल करके घर से, वॉकिंग थोड़ा फ्रेश लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, फ्रेश महसूस हो रहा है। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ा देर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मैं दिखाती हूँ अभी फ्रंट कैमरे से आप लोगों को क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ऐसे तो जाने का कुछ लाने का कुछ मेरा इरादा नहीं था, बट मैं चली गई थी तो वॉकिंग के लिए, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मुझे चाहिए ही था। तो ये चलिए और अब दिखाती हूँ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा वाली रोटी एक ये ली मैंने, शायद फ्रंट कैमरे से आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा, और एक दो ये वाली ली मैंने, ये इसमें तीन रोटी है और प्राइस दोनों का सेम है, लेकिन इसमें दो है इसमें तीन है, और मैं यहाँ पर दो जिम जैम वाले बिस्किट ले लिए मैंने, ताकि बच्चे लोग खा लेंगे थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा, और एक ये वाला गुड्डे बिस्किट का पैकेट लिया है, और कॉर्नफ्लावर लिया है ताकि मैं इसको बच्चे लोग को बना के दे सकूँ, शाम के टाइम पे अच्छा लगता है मूवी देखते देखते, अगर आप इसको खाते हैं तो थिएटर में कैसे लगता है। तो कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी थी हमारी, तो कॉफ़ी लेकर आई हूँ मैं, और मैं ज़्यादातर ब्रू की यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सही रहती है, निस्ले का मैंने यूज़ किया था ना तो दूध में जाने के बाद फट जाता है दूध, तो इसके लिए मैं तब से निस्ले वाला यूज़ करना छोड़ दिया है मैंने, अभी ब्रू का ही मैं काफ़ी दिन से, बोलो काफ़ी साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ, एक दो साल से मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और एक एवरेज का तीखा लाल लिया है मैंने इसी में से, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका था मेरे पास, इसकी ज़रूरत थी, एक ये ले लिया है और एक ले लिया है,
पोहे का पैकेट, क्योंकि ये आए दिन मतलब मैं बनाती रहती हूँ घर में, मेरे को बनाना पड़ता है ये नाश्ते में सुबह में। कभी बनाती हूँ पास्ता, कभी बनाती हूँ पोहा, और अभी सोच रही हूँ रवा तो पहले से ला करके रखा हुआ है, उपमा बनाने का सोच रही हूँ, पर ये खाएंगे नहीं इसलिए नहीं बना रही हूँ। उपमा अच्छा लगता है खाने में, बनाने के ऊपर डिपेंड है, अगर आप अच्छे से बनाओगे तो फिर वो खाने में भी वैसे ही लगता है। मैंने पहले बनाई थी तो थोड़ा मैं से ठीक से नहीं बना था, इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया था, लेकिन अभी रेसिपी समझ में आ गई है किस तरह से मतलब ट्राई करना चाहिए। अगर हमसे कोई मतलब रेसिपी ख़राब हो जाती है तो हमको ट्राई करना चाहिए नई रेसिपी, मतलब नए तरीके से ट्राई करना चाहिए। अगर हम उसको नए तरीके से ट्राई करते हैं तो वो क्या होता है मतलब वो रेसिपी में थोड़ा सा सुधार आने लग जाता है, फिर वो अच्छी बनने लग जाती है या ख़राब। ट्राई करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ नया, तो वैसे ही मैं कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ रेसिपी में। तो ये पोहा तो है, अभी हो चुका है, इतना ही लेकर आई हूँ और कुछ नहीं। और चिकन लेकर आई थी, दूध लेकर आई थी, आते आते एक ब्रेड का पैकेट लेकर आई थी। तो चलिए, अभी बच्चे लोग उठे नहीं हैं, बच्चे तो अभी सो रहे हैं, बस अलीना उठी है और ये देख रहे हैं अपना मोबाइल, अलीना बैठी है उनके पास। और जब तक कि मैं बर्तन धो लेती हूँ, बर्तन पीछे की जो सामान है उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये अभी अभी सब साफ़ करूँगी मैं थोड़ा देर में। थोड़ा सा लाइट यहाँ से सही से नहीं आती है किचन में, यहाँ से ठीक लग रहा है मुझे अभी आ रही है, लेकिन बराबर नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वहाँ पर हॉल में नहीं बैठी हूँ। हॉल में ना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा अंधेरा होता है, अंधेरा अंधेरा आता है, और देखते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, बिबिंदास मस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इंस्टाग्राम आईडी का भी और बिबिंदास मस्ती का भी, तो जल्दी से जाइए उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कीजिए। तो चलिए, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ा देर में। मैं दिखाती हूँ अभी नाश्ते में पता नहीं क्या बनाने वाली हूँ, देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊंगी, फिर बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ा देर बाद आप लोगों से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर देखिए सुबह के नाश्ते में अभी सबके लिए मैं अंडा ब्रेड बना रही हूँ, अंडा फ्राई कर रही हूँ, और थोड़ा सा हल्का सा इसमें अंडे में मैंने नमक और मिर्च मिला लिया है और उसको फ्राई कर दिया। और ब्रेड है यहाँ पर, इसको हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ तवे पर ताकि खाने में अच्छा लगे। तो आप लोग भी नाश्ते में बना सकते हैं और केचप के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, अच्छा लगता है नाश्ते में ये सब, मतलब टेस्टी भी लगता है। सुबह के नाश्ते में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ मैं नया नया, कभी पोहा, कभी उपमा, कभी मतलब ऐसे मीठा वाला रवा। ज़्यादातर तो मीठा वाला रवा नहीं बनाती हूँ अभी फ़िलहाल, पहले बनाती थी, कभी अंडा ब्रेड, कभी सैंडविच, जैसे आलू का सैंडविच आप लोगों ने उस दिन देखा था। वैसे मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ नाश्ते में तो अच्छा होता है। ये थोड़ा ब्रेड यहाँ पर थोड़ा सा जल गया था। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी देखिए अभी हो मॉर्निंग तो हो गई, वहाँ पर मैं वॉकिंग करके भी आ गई। तो अभी जो है यहाँ पर मैं बैलकनी में आई हूँ, जो रस्सी पर से जो है कपड़े हटा लेती हूँ सब, क्योंकि दो दिन से यहाँ पर सूख रहे हैं, बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से सूख ही नहीं रहे थे कपड़े, तो कपड़े हटा लेती हूँ ताकि दूसरे कपड़े डाल दूँ यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर पूरे पौधे लगे हुए हैं, चूहे ना पूरे झाड़ मेरे जो है सब खराब कर रहा है। देखिए पूरी झाड़ी, देखिए पूरे झाड़ खराब कर रहा है। और पता है वहाँ से मुझे नर्सरी वाले का फ़ोन आ रहा है बार बार, इतने सारे मस्त इतने अच्छे अच्छे झाड़ वो लेकर आए हैं अभी फिलहाल। तो बहुत पैर में मेरे कुछ चिकक गया था, देखिए बच्चे लोग यहाँ पर चिंगम खा के थूके, मेरे पैर में चिकक गया था। नर्सरी वाले का बार बार फोन आ रहा है कि मैडम मतलब दीदी झाड़ बहुत अच्छे लेकर आए हो, मैं आकर लेकर जाओ देखो आकर, बट क्या करूँ, चूहा यहाँ पर ख़राब कर देता है तो जाके फ़ायदा नहीं है, मतलब ही नहीं है जा करके देखो, लेकर भी आऊँगी तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर से चूहा ख़राब कर देगा। पहले चूहे का बंदोबस्त करूँगी, पहले चूहे का जो है पूरा बंदोबस्त कर दूँगी और उसके बाद फिर नए प्लांट्स लेकर आऊँगी मैं, ताकि मेरे को ना क्योंकि बहुत दुख होता है अगर मेरे प्लांट्स ख़राब होते ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो फिर टेंशन होती है मुझे कि मैं इतना मेहनत से मतलब इतना प्यार से लेकर आती हूँ और मतलब उनको रखती हूँ, लेकिन ये चूहे ना देखिए जाली भी इसीलिए लगी हुई है, मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया अभी, जाली भी इसीलिए लगी हुई है ताकि चूहे जो है झाड़ को ख़राब ना कर सके, बट वो ख़राब कर ही लेते हैं। सबसे पहले देखिए पिंजरे में एक चूहा है, आज उसको पकड़े हैं हम लोग और वो पिंजरे के अंदर है। मैं आप लोगों के बाद दूसरे कपड़े भी यहाँ पर डालना है रस्सी के ऊपर। चलो बैक कैमरे से मैं आप लोगों को चूहा दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसके अंदर है जो चूहे मामू है वो इसके अंदर है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? ये देखिए, देखिए पिंजरे के अंदर आ चुका है ये, और देखिए मुझे कैसे देख रहा है क्योंकि मैंने इसको पकड़ ली हूँ इसलिए ये मुझे इस तरह से देख रहा है। ये देखिए सारे झाड़ ये लोग ख़राब कर रहे हैं, ये सब लोग मिलके झाड़ पूरे ख़राब कर रहे हैं। हाँ हाँ तुम ही हो जो झाड़ ख़राब कर। देखा आप लोगों ने कैसे वो चूहे मामू जो है झाड़ ख़राब कर रहे थे, और मैं जब उनको बता रही थी वो चूहे को तो मुझे कैसे देख रहा था। तो अभी मैंने इसको यहाँ पर रख दी हूँ, वो कुतरने में लगा है जाली, देखिए कैसे कुतरने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा तुम नहीं कुतर सकते हो, नहीं काट सकते हो। वो जाली काटने की कोशिश कर रहा है ताकि किसी भी तरह बाहर निकल सके, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरे झाड़ों का बहुत नुकसान कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको कहीं दूर जाके फेंक दूंगी। और जब तक मैंने सोचा कि तब तक मैं दूसरे प्लांट्स नहीं लेकर आऊँगी जब तक मैं इनका कुछ बंदोबस्त नहीं कर लेती। पूरे बैलकनी में और अच्छी तरह से जाली मार दूंगी, डबल जितना मैं चाहूँगा उतना करूँगी, तब तक मैं दूसरे प्लांट नहीं लेकर आऊँगी। तो चलिए यहाँ से कपड़े हटा लेती हूँ, दूसरे कपड़े भी यहाँ पर डालना है रस्सी पर, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से।
तो फाइनली कपड़े डाल करके हो चुके हैं पूरी तरह से, और अभी मैं जा रही हूँ बनाने खिचड़ी। अभी बनाऊंगी खिचड़ी, उसके बाद फिर ये आलिया है, आलिया को नहलाऊंगी, सना को, अलीना को, तीनों को भी नहलाऊंगी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए ये लोग नहाए नहीं। कपड़े देखिए पूरे डाल चुकी हूँ रस्सी पर। तो चलिए अभी बनाते हैं खिचड़ी, जाते हैं खिचड़ी बनाने। एक फेरी वाला आया था, उससे मैंने 150 रुपये का एक सूट लिया, मतलब एक ड्रेस पीस लिया मैंने। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए ये वाले कलर का मैंने ड्रेस पीस लिया, ये 150 रुपये का 4 मीटर है, पूरा एक जैसा ही रहता है कपड़ा, प्लेन। मैं इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, ज़्यादा हैवी और ज़्यादा भारी कपड़े मुझे नहीं अच्छे लगते हैं डेली यूज़ में, तो मैं इसी तरह से डेली में मतलब सादे और सिंपल कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो चलिए आज मैं एकदम सादी खिचड़ी बनाने वाली हूँ मसूर की दाल की। तो यहाँ पर मसूर की दाल ले ली मैंने, और चावल ले लूँगी 1 गिलास, और एकदम सिंपल बनाऊंगी। शायद इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताई है इसकी रेसिपी, लेकिन चलिए आज फिर बता देती हूँ, थोड़ा सा बता दूंगी बैक कैमरा से, तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, कल की वीडियो में पिज्ज़ा की रेसिपी लेकर आने वाली हूँ, आज तो नहीं हो पाएगा, इसी ब्लॉग में नहीं हो पाएगा, तो कल पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आऊँगी, तो ज़रूर चेक करना, ज़रूर देखना, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए इंशाल्लाह, और इसी तरह से सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं खिचड़ी कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए कढ़ाई में तेल डाल दिया मैंने 2 चम्मच, उसके अंदर मैंने डाल दिया कांदा। कांदे को अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर चावल और मसूर की दाल है जिसको मैंने धो करके भिगो लिया है। अब डाल दूंगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है, तो आप थोड़ा आराम से बनाइए। यहाँ पर खाना बनाते समय थोड़ा सा तेल उड़ गया था गैस पर, तो वही मैं साफ़ करी थी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, फिर घर की जो मेरी मसाले की मिर्च है वो ऐड कर दी मैंने इसमें, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद इसको अच्छी तरह से चला लेंगे, फिर इसमें डालेंगे हरा धनिया, इसको अच्छी तरह से पकने देंगे 2-3 मिनट। उसके बाद जो ये चावल है इसका पानी फेंक लेंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहे तो पहले पानी ऐड कर सकते हैं, बाद में चावल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पहले चावल ऐड करती हूँ, उसी के साथ साथ पानी भी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पर जितना मेरे हिसाब से मैंने चावल ले लिए थे, पानी भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर देखिए खौल आ रहा है खिचड़ी में, और जो हरा धनिया है जब हम चावल दम पर रखेंगे, बाकी का वो तब डालेंगे इसमें हरा धनिया जब हम इसको दम पर रखेंगे। तो देखिए पानी पूरा सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी बचा है, ये हमें दम पर रखने के लिए काफ़ी है। तो हरा धनिया ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको ढक करके 5 से 6 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर रख लेंगे, ताकि जो हमारी खिचड़ी है इसका दम अच्छी तरह से हो जाए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको ज़रूर ट्राई करना। और देखिए 5-6 मिनट हो चुके हैं, और खिचड़ी को हटा कर देख रही हूँ मैं ढक्कन, तो दम हो चुका है अच्छी तरह से माशाल्लाह। और आप इसको हल्के में मत लेना, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। वालेकुम। तो अभी हमारी खिचड़ी बन चुकी है, और आलिया ने खिचड़ी खा भी ली है ना। आलिया कैसी लगी हमारी खिचड़ी? अच्छी लगी। और आलिया ने नहा भी ली, तो आलिया के बाल गिले हैं इस तरह से, इसलिए खाना खा रही थी ना आलिया, इसलिए इसे बक्कल बांध दिया है। अभी थोड़ा बाल उसके सूख जाएंगे, तो फिर उसके बाल बनाऊंगी मैं अच्छी तरह से, है ना आलिया। तो आलिया, सना को और अलीना को खिचड़ी तो बहुत अच्छी लगी, तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी ट्राई करना है तो आप बेशक ट्राई कर सकते हैं, और खिचड़ी बहुत ही मज़े की बनती है ये वाली, तो ज़रूर ट्राई करना, और मुझे कमेंट बताना कि आप लोगों की खिचड़ी कैसी बनी। और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग सब बोलते हैं हमारा नाम लो, तो आप लोग हैशटैग लगा करके मेरा नाम लिखे, उसके बाद आपको जो भी आप कमेंट्स करते हैं वो कमेंट लिखे, तो अगर मुझसे हो पाएगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा करके लास्ट में एंड में सबके स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, जो भी इस वीडियो में या इस तरह से लगाएंगे, तो क्योंकि इस तरह से लगाने से क्या होता है, कमेंट जो है आपका हाईलाइट होने लगता है, तो वो मुझे दिखने लगता है। तो चलिए फिर, तब तक के लिए अब अल्लाह हाफिज़, चलता हूँ आप लोगों से, दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना, हेल्दी खाना खाइए और सेफ रहिए। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बोलो बेटा।